दे सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा दिया रे आए 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 आ जाओ जाओ प्लीज आप ही आ जाओ जरा जल्दी जल्दी
And let's have a selfie together, which is a group photograph, as I gonna be say. And what you need to do, please come the forward way and make a semicircle so that the cameraman be capture us in a frame. All of you, please. Sorry, selfie queen hai. So pehle jo dar hai, tusi apne waste. Ye pakad lo. Yaar, apne liye ta jor da taaliyan maar do tusi. है ना, जो अपने लिए तालियां बजाता है ना तो जनता उसके लिए बजाती है. ये जिंदगी में याद रखना. कहते ना जगराते तो जाओ, कहते हैं जयकारा जोर दी लगाओ. तो ये जगराता तो हमारा नहीं है, लेकिन भाव हमारे वही होने चाहिए. अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पुट करने जा रही हूँ मैं, उसका आपने आंसर देना है. ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी दीदी से पहले ही आपसे ले ली जाती है? अच्छी What's name? No. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको देने से पहले ही आपसे ले ली जाती है? थोड़ा जोर लगाइए. हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज आपको देने से पहले ही आपसे ले ली जाती है? जैसे आप करते हो यार अंबाला, थोड़ा सा सेल्फी. अभी मैम ने बोला तो है. नहीं नहीं नहीं, हाँ स्माइल कैसे कोई ले लेगा आपकी? मैम स्माइल तो आपके आपके पास ही रहेगी. सेल्फी या कुछ 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 आसपास ही है आप. फोटोग्राफ पीछे से आवाज आई है. हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट. जोरदार तालियां इनके लिए. आपने बहुत जोर लगाया. क्या नाम है आपका? आपकी सिस्टर घर में तो एक में ही जाना है, चाहे आपकी सिस्टर हो चाहे आप हो. तो चलिए मैम, आपके लिए एक गिफ्ट. मैम प्लीज पीछे से चलाते हैं. और मैम बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. मैम थोड़ा सा अपनी इंट्रो दीजिए. गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम दिव्यशा एंड आई हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स एंड नाउ रिसेंटली मैं अभी पंजाबी सॉन्ग कर रही हूँ. सो फॉर दैट आई एम हियर. सो मे बी आपने शायद न्यूज़पेपर्स में या एड्स वगैरह में शायद देखा होगा, बट ऐसे लाइव शायद पहचान नहीं पाओगे. बट या थैंक यू सो मच. ओके, ऐसी वो चीज़ कि जेंट्स सिर्फ खा सकते हैं और लेडीज़ पहन भी सकती हैं, खा नहीं सकती. लेडीज सिर्फ पहन सकती हैं, जेंट्स खा भी सकते पहन भी सकते. क्या होगा? जूता. अच्छा सर आए साथ में. अच्छा हाँ जी, कोई और रिप्लाई कर सकते हैं? जेंट्स खा भी सकते हैं पहन भी सकते हैं, लेडी सिर्फ पहन सकती है खा नहीं सकती. ओके भाई, इनका वेरी राइट आंसर था जूता. सो गुरविंदर मैम के लिए कुछ ज्यादा तालियां हो जाए. कम ऑन, थैंक यू. सो ओके गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए, हैव यू हैव आपकी पर दूसरों लोग उसको इस्तेमाल करते हैं. सारे होशियार हो गए की गल है, होशियार हो गए. पहले क्वेश्चन तो मान बच्चे होशियार हो गए, ऐसा मतलब टीचर परफेक्ट है. एम आई राइट? हाँ जी सोनिया जी, असली टीचर्स परफेक्ट है. अच्छा एक और चीज कि लेडीज वो चीज खा भी सकती पहन भी सकती है, जेंट्स सिर्फ खा सकते पहन नहीं सकते. क्या होगा? लेडीज चीज पहन भी सकती है खा भी सकती है, जेंट्स पहन नहीं सकते खा सकते. सोचो सोचो. यस वेरी राइट आंसर. रॉन्ग, इट्स लॉन्ग. यस ओके गाइस, ज्यादा समय ना होते हुए मैंने एक्चुअली सेल्फी के कॉन्सेप्ट से सभी को बुलाया था. गर्ल्स लेट्स हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ ओवर हियर विद ऑल आवर लकी मेंबर्स. सो मैम ऑल ऑफ यू प्लीज पास पास आ जाइए एंड मेक अ सेमी सर्कल टुगेदर सो दैट की फ्रेम में हम इकट्ठे एक पिक ले सके. आप सब फेस सुनो लेंगे जुत्ती सट्टी बनने की कसूर विच जॉइन विच जरगल लाहौर दिया टिच मुंडिया साडे हसदी दी फोटो खिच मुंडिया साडे हसदी दी फोटो खिच मुंडिया. सो प्लीज गिव हिम अ बिग स्माइल यार ऑन योर फेस. थैंक यू. ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है
पर नीचे नहीं आती. वाओ, एज. हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अब अपनी अपनी उम्र बताते चाहिए. एक मिनट में जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे पता था आंसर तो आते गए. 32. हाँ जी. 29. गलत नहीं बोलनी. 34. हाँ जी. 34. 35. 33. ऐसे तो सारी जनानियां ने. 32. 14. वेरी नाइस. भूल गए भूल गए भूल गए. 35. 36. 26. 26. शुक्र है में कोई आया. 25. 25. सोनिया जी थोड़ी कितनी उम्र है? दस. हो यार, अपना ही समय है, अपना ही माहौल है. ये जस्ट फॉर फन था. तो चलिए, आपकी ये कार्ड्स किस हिसाब से हैं जो आपने दिए वाला है? सो यू कैन बी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी ऑन द स्नैक्स बार. और ये जो कार्ड हमें स्पॉन्सर किए गए, मैं उनका कार्ड आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. सो यू कैन बी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी देयर ऑन मी. थैंक यू. जो सिंगिंग नाइट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं. थैंक यू मैम. सो वैसे भी कहते हैं कि कोई भी अच्छा इवेंट हो या कार्य हो, संगीत के बिना अधूरा है. सो इसी के साथ आपके बीच में हम लाइव सिंगिंग लेकर आ रहे हैं. सो इसी के साथ मेरे बहुत ही प्यारे से मित्र मिस्टर परम सर आपके बीच में आने वाले हैं, जो कि 25 सालों में स्टेज पे गाते आ रहे हैं. एंड इसी के साथ ही ऑल्सो स्पेशल सिंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल. एंड इन्होंने 3 मूवीज तक की गई हैं. एंड इसी के साथ बहुत सारे टैलेंट लेके आपके बीच में बहुत ही मधुर आवाज के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ द वन एंड ओनली परम सर ऑन द स्टेज. थैंक यू. एंड मैं चाहती हूँ ते मेहर करी मेरे साइया विच अंबाला दे, विच अंबाला दे पंजाबी सिंगर मिस्टर बॉबी बाजवा ने रोड का लाइक जोरदार तालियां मिस्टर बॉबी बाजवा जी ने. थैंक्स मैम. इसी के साथ हम मैं अमरपाली रिजॉर्ट्स जो कि वेन्यू है हमारे जिस खूबसूरत शाम का, मैं इनका बहुत ही थैंक्स करना चाहती हूँ. इसी के साथ हमारे मिस्टर कश्मीर सोहल प्रोड्यूसर एट सतरंग एंटरटेनर्स हमारे बीच में आ चुके हैं. सो इनका भी मैं बहुत ही वेलकम, बहुत ही निकल स्वागत करना चाहती हूँ. एंड इसी के साथ हमारे मिस्टर संजीव आनंद, मिस्टर निखिल सॉफ्टी एंड ऑल आर स्पॉन्सर्स. ज़्यादातर मैं हमारे जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स है जो जिन्होंने हमें बहुत ही विशेष योगदान दिया और हमें मौका दिया आपके सामने आके परफॉर्म करने का, इनका भी बहुत 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 मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ. इसी के साथ हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर चित्रा सरवारा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस. इसी के साथ हमारे मिस्टर परम चंदेल सिंगर, मिस दीपिका सिंगर, मिस नीतिश भारद्वाज बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं. सो इसी के साथ तब एक बार फिर से जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ऑल स्पॉन्सर्स, अनिल जी चाट स्नैक्स फूड, सनी वेजिटेबल सप्लायर, संपूर्ण पैकेजिंग, भारती मिल्क फूड एंड विल्क एंटरटेनर्स. सो जी जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं इनका भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ. अब विदाउट टेकिंग मच टाइम, नाउ वन मोर टाइम आई एम गोना बी कॉल आर द वन एंड ओनली मिस्टर परम चंदेल, प्लीज बी ऑन स्टेज एंड लेट्स हैव एंटरटेन ऑल द ब्यूटीफुल पीपल ओवर हियर ऑन द स्टेज. थैंक यू. तो चलिए और फटाफट साथ साथ हम अपनी पंचुअलिटी को निकाल लीजिए. फर्स्ट हमारी स्लिप निकली है जो वाकई में ही पंक्चुअल थी और जिन्होंने इस पंचुअलिटी को निकालने में हमारी मदद की, मिसेस कलविंदर कौर. छोटा तालिया कुलविंदर कौर जी के लिए. नेक्स्ट फटाफट पर्ची निकालिए बच्चे आप फटाफट फटाफट. आप जिनके नाम अनाउंस हो रहे हैं वो जल्दी से आगे आते जाए. Next. Guru.
सच्चे पंक्चुअल मेंबर थे। जोरदार तालियां मिस्टर हरमिंदर सिंह जी के लिए। मिस्टर रहीम हाँ जी, इनका गिफ्ट दीजिए बेटा। रश्मीत फटाफट गिफ्ट को बढ़ाइए। आर.एन. मित्तल, तो चलिए आर.एन. मित्तल जी से लास्ट आप पंचुअलिटी खत्म करते हैं। हाँ जी, सबका हो गया। Okay guys, so without taking much time now, this is the time to take step ahead of this lovely evening with beautiful people of Ambala. So now one more time I'm going to announce the one and only Mr. Padam sir, and iske baad isi ke saath iske baare mein batana chahungi ki 25 saalon se ye professionally singer hain, bahut sari stages pe unhone singing kiya hai, and isi ke saath inhone special sing Indian cricket team ke liye kiya hai. So main Padam sir ko bulana chahti hu, please be on stage for a while, and isi ke saath main introduction bhi आपके सामने पेश करना चाहूंगी। गुड इवनिंग, नमस्कार आए हुए सभी मेहमानों को। आज की शाम में आप सबका तहदिल से स्वागत है, और सबसे पहले मैं जिन्होंने हमें यहाँ सेवा का मौका दिया है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अमरपाली रिजॉर्ट और भी जितने इसके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस इवेंट में अपना योगदान डाला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज की शाम का आगाज करते हैं। सबसे पहले भगवान को याद करते हुए उसके चरणों में थोड़ी सी हाजिरी लगवाते हैं, फिर धीरे धीरे आपका एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे। वक्रतुन महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे वे शुभकार्यसु सर्वदा। हाजरी भगवान के चरणों में। अब मैं एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग आपके चरणों में चलिए एक गाने के पहले आप बहुत सुध से बैठे, मैं थोड़ा सा हंसा देता हूँ आपको।
एक जोक आपकी नजर कर रहा हूँ, उसके बाद गाना। जोक ये है जी, आप सब फैमिलियों में आए हो, अच्छी बात है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनकी पत्नियां हैं, और ये फैमिली के ऊपर ही जोक है। एक बार किसी भाई साहब की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी जी, वो मायके चली गई। मायके गई और आपको पता ही है, जितना मर्जी हस्बैंड जो है पंक्चुअलिटी हो, जितना मर्जी ईमानदार हो, फिर भी जो पत्नी साहिबा होती है उसने शक करना ही होता है पति पे। तो पीछे से फोन आया, जी भी देखती हूँ कहाँ है पति साहब। कहते जी कहाँ हो? कहता मैं घर में हूँ। कहती अच्छा, अगर घर में हो तो कहती मिक्सी रसोई में जाकर मिक्सी चलाकर दिखाओ मुझे। वो जी मिक्सी की आवाज़ आई, पत्नी जी को विश्वास हो गया अभी पति जी आप घर पे हैं। दूसरा दिन फिर सेम ऐसे ही, कहते जी कहाँ हो? कहते जी मैं तो घर पे ही हूँ। कहते फिर अगर घर पे हो तो मिक्सी चला कर दिखाओ। वो जी उसने फोन पे मिक्सी की आवाज़ सुनाई, पत्नी जी शांत। तीसरे दिन फिर सेम ऐसे ही, फिर पत्नी जी शांत। चौथे दिन जब वो वापस आई तो उसने देखा पति जी तो है ही नहीं घर पे। तो बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहता पापा तो 3 दिन से कहीं गैप है, मिक्सी लेकर गए हुए हैं। तो ये था आपके लिए एक हंसाने का सिलसिला। लीजिए अब गाना आपके लिए। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी।
जे अच्छा लगे तो तालियां मार दो थैंक यू प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना हर गम से बेगाना होता है शमा कहे परवाने
थैंक यू. मैंने सदा चाहा यही दामन बचा तू हसीनों से मैं तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज नैनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर क्या कहूँ मैं बेखबर जरा सा हंस के देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको वो मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया मैडम खड़ेक्रम हम बाय स्टेप आपके बीच में लेकर आएंगे सो जी हाँ ज्यादा समय ना लेते हुए हे वी हैव आवर चीफ गेस्ट ऑफ द डे हे वी हैव द वन एंड ओनली चित्रा सरवाड़ा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस फाइनली हमारे बीच में आ चुकी है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डेडिकेट फ्यू लाइन्स टू हर कि आप हमारी महफिल में आए आप हमारी महफिल में आए ये हमारी खुशकिस्मती है हम कभी आपको तो कभी अपनी महफिल को देखते हैं बिकॉज कहते हैं कि किसी के कान में ही नेशनल प्लेयर भी है एंड इतनी सारी पर्सनैलिटी टेड पर्सन को मैं आपके सामने रूबरू करवाने जा रही हूँ एंड इसी के साथ कहना चाहती हूँ कि और कुछ इतना ज़्यादा मैं नहीं उनके बारे में बोलूँगी जितना वो अच्छे से अपने आप को आपके सामने रूबरू करवाएंगे यस प्लीज एंड बताना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिसका कारण जो कि हम यहाँ पर ब्रांडेड सॉन्ग को यहाँ पे ब्रांडेड एंड लॉन्चिंग करने आए हैं सो जिस दे विच तुसी एफ पी एंड सोशल मीडिया ते भी उन्हां नूं देख सकते हो यूट्यूब ते भी सॉन्ग नूं देख सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो शेयर कर सकते हो लाइक कर सकते हो सो जी हाँ दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए है वी हैव द वन एंड ओनली द पर्सनैलिटी ऑफ द डे इन ऑल वर्ल्ड इन इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल है वी हैव द वन एंड ओनली बॉबी बाजवा स्वागत करना चाहती हूँ एंड हमारे वेन्यू पार्टनर अमरपाली रिजॉर्ट्स का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मिस्टर कश्मीर सोहल प्रोड्यूसर एट सतरंग एंटरटेनर्स मिस्टर संजीव आनंद मिस्टर निखिल सोपती एंड आर स्पॉन्सर्स मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इनका विशेष योगदान है हमारे इस इवेंट के बीच में इनका भी मैं बहुत ही थैंक्स करना चाहती हूँ इसी के साथ हमारे
Mr. Paramchandel singer, Miss Deepika singer, Miss Nitish Bhardwaj actor and model हमारे बीच में बैठे हुए हैं इसी के साथ हमारे जितने भी sponsors हैं इनका भी एक बार फिर से मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ and ज़्यादा समय ना लेते हुए as I earlier announced we gather here to be a thank and launching of the branded song over here which is a branded and branching as well and launching as well over here. So one more time without taking much time. Now one more time I'm going to call the one and only Bobby Baja on the stage. Thank you. One, बहुत अच्छी आवाज है अभी जो परम सर की परम जी आगे बहुत अच्छी आवाज है थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट सर आप वुड यू लाइक टू सिंग फ्यू लाइंस आप कुछ कोशिश करना चाहेंगे ओके एनी व्हाट्स द प्लान ऑफ होली हां जी सर हमारी आर्मी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू बिकॉज कहते हैं कि मिल जाएंगे जमाने भर में आशिक कहीं मिल जाएंगे जमाने भर में आशिक कहीं मगर वतन पे वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता मरे हैं कई नोटों से लिपट कर सोने से सिमट कर एंड तिरंगे से खूबसूरत कोई कफर नहीं होता सो जितने भी हमारे आर्मी के पर्सन यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां मैं चाहती हूँ सब बजाएं प्लीज थैंक यू सो जी हाँ दोस्तों हेवी है हमारे बीच में मिस दीपिका है जो कि अपनी बहुत ही मधुर आवाज के साथ दुभाएंगी आप सबको सो उससे पहले एक सॉन्ग मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी विच इज द इन देसी स्टाइल आई होप एवरीवन शुड लाइक दिस कैन दे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान म्यूजिशियंस हमारे बीच में बैठे हैं तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां यार इनके बिना हम कुछ भी नहीं है थैंक्स टू ऑल सो विदाउट टेकिंग मच टाइम नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस दीपिका प्लीज बी ऑन स्टेज एंड शी गोना बी परफॉर्म ओवर हियर ब्यूटीफुल विद ब्यूटीफुल एंड लवली वॉइस थैंक यू गाइस माय फर्स्ट ट्रैक आई होप आप सबको पसंद आए मन मा
ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸਫੁੱਲ ਹਾਂ ਅਮਰਪਾਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕਸ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਜੀ ਹੈ ਅਮਰਪਾਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸਫੁੱਲ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਸੋਪਤੀ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਂਡਿਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ So for that, I think we have to be take a step ahead of this evening. Yeah. So for that, I would like to call, first of all, Chitra Sarwara, General Secretary, All India Mahila Congress, please be on stage. And iske sath I would like to call Mr. Jain from Amrapali Resorts, venue partner of the day today. And one more time, I'm going to call Mr. Sanjeev Anand, Mr. Nikhil Sopti, please be on stage. And let's have this honor together over here, which is a Hello, ma'am. Poster launching of this branded song. ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਭਈਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਨ ਕਮਨ Yeah, because kehnde ki mama thandiya chhawa so heavy hai Bobby Bajwa's mom in the house mein chandiya mom te liye bhi ek baar zor zor taaliyan yaar come on everyone thank you hon complete hai Jain sahab agar meri awaaz sunde ne ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅੰਬਰਪਾਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਭੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ Mandy, please be on stage. Okay, so here we have the guest of honor of the day, Mr. Rajveer Ji. So this is a warm welcome to him as well. Please come forward and you may proceed and have a seat over here in this beautiful evening. And we thankful, very much thankful to you being part with us today. Thank you. And I also want to be very thankful to our special invitee Mrs. Monica Vij and the guest of honor Mr. Rajveer Chaudhary thank you okay guys so one more time here we have Mr. Rajveer Chaudhary in the house finally so this is a warm welcome to him as well so ji ek bari fir se main aap sabhi ka bahut hi dhanyawad karna chahti hu rajveer sir ka specially karna chahti hu apne keemti samay mein se nikal kar apna samay nikal kar hamare beech mein aaye and apna keemti samay unhone aaj hame diya so ji please come sir please be on stage and give this honor to us to be launch a branded poster over here thank you ek hor sadi khoobsurat actor sade vich maujood aaiye enter kiti hai kya baat hai thank you aunty tusi welcome ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਰ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਆ ਸੀਧਾ ਆ ਜਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕਮ ਔਨ ਐਵਰੀਵਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਥ੍ਰੀ ਚੀਅਰ ਅਪ ਫॉर ਬੌਬੀ ਬਾਜਵਾ ਹਿਪ ਹਿਪ sorry sonia yes please thank you
My pleasure. Oh, welcome. Yeah. एक साढ़े दो मेरे साढ़े गुरु जी उस्ताद जी आ जाओ परम चंदेल जी बहुत बढ़िया गा के गए हैं सिंगर और साड़ी एक बड़ी खूबसूरत एक्टर सामने बैठी है मॉडल किटू जी ओ माई गॉड पिछे लुक गए तुसी साड़ी टीम का हिस्सा हो प्लीज वेलकम आइए इधर आइए हमारे पास आइए मैडम चाहूंगा माइक थोड़े हैंड ओवर कर दें दो लफ्ज़ लिए क्योंकि वीडियो प्ले करना है यूट्यूब तो सीधा ऑन एयर होएगा हमने जस्ट तुसी अनाउंस करोगे फिर ऑन एयर होएगा जिहड़ा असीं ट्रैक लॉन्च कर रहे हैं मतलब हुण तुसीं जदों बेस्ट विशेस दोगे मैनूं तां नाल दे नाल लॉन्च हो जाएगा उहदा ट्रैक जी 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 थैंक यू सो मच थैंक यू मैम थैंक यू बॉबी बाजवा जी सबसे पहले मैं इस खूबसूरत शाम में सभी का ऑल द सेलिब्रिटीज ऑल द परफॉर्मर्स ऑल द ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेज देयर रिलेशंस और अम्बाला के जो ल्यूमिनरीज यहाँ पर आज हमारे साथ आए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ मुल्तान सिंह अत्री जी एंड हिज टीम आई स्पेशली वेलकम यू जो हमारे फौजी हैं उनसे हमारी रौनक है उनसे हमारी शान है उनसे हमारी आन है सो माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस बाजवा जी आपको ऑन द ईव ऑफ योर लॉन्च आई विश यू सक्सेस एंड आई होप आप और आपकी टीम बहुत ही ऊंचाइयाँ छुएं एंड रोहित जैन जी को मेरा कॉम्प्लीमेंट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटिफुल इवेंट and the entire media partners and all the teams so I hope this is a great beginning all the very best and everyone is looking forward to you today thanks thank you ma'am for hone assi launch kar rahe ha video apna branded youtube on air hoega hone to main request karunga mandi ji nu ke please on air kar dio say परंट डिज तू पिलो लगदी परंट डिज तेरा नखरा सब
सब तेरिया ही चला ने दिन रात सोच जा सपन तेरे बारे तू पाया बिच केड़ा चक्करा ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੈਲਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਬਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਵੈਰੀ 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 ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਬੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸੋ ਬਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ हां जी सोनिया जी ਹੁਣ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ हां जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੋਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਲੁੱਕ ਉਹੀ ਵਿਊ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੇਖਣ ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਤੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾ ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਖੇਲਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਯੈਸ ਆਬਵੀਅਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਹਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਔਰ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾਈਸ ਸਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ बचपन तो आइडिया स्पोर्ट्स था मेरा ब्रदर स्पोर्ट्समैन इसलिए मैं स्पोर्ट्स चला गया फुटबॉल खेलिया और फिटनेस तो पहले मैं दस दें सब तो जरूरी क्योंकि स्पोर्ट्समैन मैं चाहूँगा अपनी फैमिली से बैठी हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन जरूर बनाना चाहिए चाहे किसी भी गेम हो जरूरी नहीं है फुटबॉल कोई भी सब बहुत सारे रीजन एक फिटनेस क्योंकि 5 बजे उठ के मैं ग्राउंड जाता हमेशा जी जी वो प्रैक्टिस है तो दो ढाई घंटे प्रैक्टिस करनी पैनी है तुसी चीज करना सकती सर इतना फेसबुक सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूट्यूब तो तुसी इतना टाइम किवें मैंने रोज सवेरे 6 बजे तुसी लेक पे मिल सकते हो चंडीगढ़ दैट्स नाइस दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट एंड यू गोना बी ऑफर टू मी आई कैन बी कम देयर टू मीट यू ओथे लेक पे बेगर ज्यादा तालियां हो जाने की रूटीन दे ले थैंक यू 6 बजे लेक पे मिलेंगे थानू मैं डेली ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਓਕੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਡ ਪਰਸਨ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਐਸ ਵੈਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਡਰੱਗਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋ ਬੀਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੂ ਬੈਡ ਸਟੋਰੀ ਮੈਮ ਪੀ ਜੀ ਕਲਚਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਿਰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੀਮੇਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਟਨੈਸ ਰਹੇਗੀ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਕੌਣ ਕੌਣ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਕਮੋਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਲਾ ਪੀਪਲ ਕਈ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਨਾ ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਕੋ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਫ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਸੌਂਗ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਓਹੋ ਨਾਈਸ ਉਦੋਂ ਐਨੇ ਸਵੀਟ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓ ਥੈਂਕਸ ਥੈਂਕਸ ਸਰ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर ਮੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਐਂਡ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੋਬੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ ਲਓ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਸਰ ਹੁਣ ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੀਤਾ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨੀਟਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨੀਟਸ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਰਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਈਅਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰ ਦੇਖ, ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ, ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੀਟ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਤ, ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਉਂ ਕਿੱਟੂ ਨਵੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਚੋਂ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਟੂ, ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਰ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ। ਇੱਧਰ ਮਨੀਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਰ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲੇ, ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ, ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ, ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ, ਦਿਲ ਪਿਆਸਾ
ਪੈਸਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨਚੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸੋਫੀ ਆ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੱਟ ਬੋਤਲ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਬੋਤਲ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਏ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੀਨੇ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਵੀ ਹੈ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੱਜਵਾਬੀ ਲਿਖਣਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੱਜਵਾਬੀ ਲਿਖਣਗੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਸ ਹਰਫ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਸ ਹਰਫ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਹੜਾ ਘੜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਵੇਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਵੇਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੋ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਖਜੂਰ ਚੜ ਜਾਏ ਤੋ ਚੂਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੋ ਚੱਕਣਾ ਸੂਰ ਹੈ ਫੁੱਲਾ ਜਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਨੇਟਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੱਜਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਹੇ ਮਾਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਫਰਕ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਹਰ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਹੁਲਾਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪੀਂ ਚੜਾ ਲੈ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਹੁਲਾਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪੀਂ ਚੜਾ ਲੈ
ਕੱਢ ਲਵੇ ਹਾਏ ਕੱਢ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਛਿੜਕੇ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤਿਆਰੋ ਬਣ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤਿਆਰੋ ਬਣ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵਰਦੀ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਕੁਨਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇਟਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੀ ਐਕਟਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਨੇਟਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਯੈਸ ਚਲੇ ਵੀ ਆਓ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਲੇ ਵੀ ਆਓ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯੇ ਵੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਰਾਹੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਉਮੀਦੋ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਕਰ ਰਾਹੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਉਮੀਦੋ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਕਰ ਆਈਏ ਹਮ ਆਪਕੇ ਆਨੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੌਂਗ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਗਰ ਰਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਕੁਈਨ ਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਓਰਿਜਿਨਲ ਲਿਖਿਆ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤੁਮ ਪੇ ਮਰ ਮਿਟਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤੁਮ ਪੇ ਮਰ ਮਿਟਨੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਗਾ
या फिर तेरी उलझी हुई जुल्फों की लटकवार, तेरी आंखों का इकरार होगा या फिर तेरी उलझी हुई जुल्फों की लटकवार। कोई एक वजह तो नहीं रही होगी तुम पे मर मिटने की, कोई एक वजह तो नहीं रही होगी तुम पे मर मिटने की। तेरे चलने की अदा होगी, तेरे चलने की अदा होगी या कश्मीरी सेब से गाल, कोई एक वजह तो नहीं रही होगी तुम पे मर मिटने की। नाइस है, अभी और है। तेरे होंठों की मुस्कान होगी, जो भी स्माइल किया आपने, तेरे होंठों की मुस्कान होगी या फिर तेरी मीठी बातें सुनने का अरमान, कोई एक वजह तो नहीं रही होगी तुम पे मर मिटने की। तेरी सुंदर सी सूरत, तेरी सुंदर सी सूरत, पवित्र रूह तेरी देवी जैसी मूरत, कोई एक वजह तो नहीं रही होगी तुम पे मर मिटने की, कोई एक वजह तो नहीं रही होगी तुम पे मर मिटने की। एक परफ्यूम बहुत अच्छा लाया, ताड़ी मार दो, शेर खत्म हो गया। लेकिन ये परफ्यूम बहुत अच्छा, बड़ा अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। इतने मैंने याद आ गया दो लाइना, तेरे बदन की खुशबू मेरी रूह में उतर गई, तेरे बदन की खुशबू मेरी रूह में उतर गई, बिखरी पड़ी थी मेरी जिंदगी तेरे आने से सवर गई। यूं ही गले लगाए रखना उम्र भर, यूं ही गले लगाए रखना उम्र भर, आपको देखूं ना तो मेरी सुबह होती नहीं, आपके देखे बिना मेरी सुबह होती नहीं। सोनिया कहते गई है, सोनिया जी बंद करना बहुत अजय, आओ जी सोनिया जी। सोनिया जी तो पहली बार मिले ना, पहली बार किसी को बड़ा औखा लगता है किसी कुड़ी को इंप्रेस करना लगता है ना, बहुत बहुत पंगा पैंदा। मैं कहा चलो मैं भी थोड़ा कोशिश कर लूँ, इंप्रेस करने की कोशिश की थी पर पंगा पै गया। वो पता नहीं पहली गल कर रहे हैं, अज तो अज तो इंप्रेस है बहुत। पहली गल कर रहे, फर्स्ट टाइम मिले असीं, और फिर बड़ा औखा लगे कुड़िया नूं, वैसे बड़ा औखा होंदा। मैं मैंने कहा, फर्स्ट टाइम मिले, मैंने कहा मेरे पास आ, मैंने कहा मेरे पास आ, ये बोली तू दूर जा। मैंने कहा मुझे प्यार है, मैंने कहा मुझे प्यार है, ये बोली तू दिलदार है। इन्हें पता नहीं कितनी पहला गर्लफ्रेंड होनी है। मैंने कहा मेरे पास आ, ये बोली तू दूर जा। मैंने कहा कि तू जी, मैंने कहा मुझे प्यार है, मैंने कहा मुझे प्यार है, ये बोली तू दिलदार है। मैंने कहा घूंघट उठा, मैंने कहा घूंघट उठा, ये बोली पैसे दिखा। मैंने कहा पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, तो ये बोली ऐसे नहीं। मैंने कहा आगे ये, मैंने कहा ये अंगूठी ले, मैंने कहा ये अंगूठी ले, ये बोली सोने की दे। सोना महंगा बड़ा, मेरे को दोबारा नहीं खाना। मैंने कहा ये अंगूठी ले, ये बोली सोने की दे। मैंने कहा महंगाई है, मैंने कहा महंगाई है, तो ये बोली तू मेरा भाई है। वो पिछले आशिक सच्चे वेखे ते अज दे आशिक गप्पी। कुड़ियां भी बहुत गप मार दी गले मुंडे दी। हाँ हाँ कितनी सच्ची गल है। वो पिछले आशिक सच्चे वेखे ते अज दे आशिक गप्पी, वो पुराने आशिक नदियां टपते ते हुण आड नहीं जांदी। आड़ किसी को पता नहीं होना, जो पानी खेतों में जाता बेसिकली उन्होंने आड़ कहते हैं। हाँ या हाँ दसना भी जरूरी है। खाल भी कहते हैं कि हूँ खाल नहीं जाती। अगे चन नखरे तेरे खूब है, कितना सोना महबूब है। We'll be right back.
ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦੀਆਂ ਇੱਕੀਆਂ ਮਾਇਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦੀਆਂ ਇੱਕੀਆਂ ਮਾਇਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦੀਆਂ ਇੱਕੀਆਂ ਮਾਇਆ ਵੇ निगाहें और भी होंगी इशारे और भी होंगे निगाहें और भी होंगी इशारे और भी होंगे मगर मेरे तो तुम ही तुम हो तुम्हारे और भी होंगे मैनू एक कुड़ी ने मैनू एक कुड़ी ने रुमाल भेजा उत्ते लिख दिल वाल हाल भेजा मैनू एक कुड़ी ने रुमाल भेजा उत्ते लिख दिल वाल हाल भेजा मेरे बिना कहती मेरा चित ना लगे तेरे बिना कहती मेरा चित ना लगे निकल जा कौन या सवाल भेजा मैनू एक कुड़ी ने मैनू एक कुड़ी ने मैनू एक कुड़ी ने रुमाल भेजा उत्ते लिख दिल वाल हाल भेजा मैनू एक कुड़ी ने मैं ताड़ियां मरवानी चाहना एक सामने साडे गीत बैठी है वो इसलिए जरूरी गीत ले नहीं उन्होंने हसबैंड नाल उन्होंने सासू मां आंटी बहुत स्वीट है करे जाने बहुत सेवा करते हैं पर ताड़ियां इसलिए कि एक सास होकर सपोर्ट कर रही है अपने नूं दी बहुत वड्डी गल है इस लाइन सब तो वड्डी नूं तां ताड़ियां इन्हां दे बंदियां जिदा साडे लोग नहीं नहीं कई बार सपोर्ट नहीं करते या हसबैंड सपोर्ट नहीं करता थैंक यू सो मच सर तुम बहुत सपोर्ट करते हो कुड़ी अजय नहीं जाना आपको दिल गए तेरे उत्ते टुल सोने
ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਵਿਸ਼ਕੀਨਾ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਈ ਕਰ ਦਾਜੋ ਝੂਠੀ ਜਈ ਕਰ ਦਾਜੋ ਪ੍ਰੇਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸ਼ੁਦਾਈਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਜੱਟ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੂ ਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਪਿਓਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀ ਟੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀ ਟੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜੱਟਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜੱਟਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਸਿੱਟੇ ਵਰਗਾ ਹਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਤੇ ਜੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਤੇ ਜੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋ ਹੈਵੀ ਹੈ ਲੋਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੱਟ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਅਰਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਲਓ ਦਾਵਾ ਚੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾ ਵਰ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੱਟ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਸਕੇਲ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਫਲੈਟ ਬਿਲੋ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਫਲੈਟ ਬਿਲੋ ਤੇਰਾ ਨੀ ਜੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜਦੀ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਦਾ ਰੋਜ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀ ਤਿੰਮੋ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈ ਆਖਦੀ ਤੇ ਜੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅੱਛਾ ਨੀ ਜੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇ ਗੜੀ ਮੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੜੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਛਾ ਚਾੜਦਾ ਚਾੜਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੰਬੀ ਦੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਈ ਯਾਰ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਉਹ ਟਰੈਕ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਪਿਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਾਰਤਿਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਕੀ ਆ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਟੂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਓ ਕਿੱਟੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੱਚਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਰੈਡ ਬੈਕ ਰੈਡ ਸੁਣੀਏ ਜਾਓ
आजो प्ले 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 क्या बात साडी टीना वाली छत तेरी कोठी लगा कच तेरे रूप दा नजारा बिल्लो वेरी वेरी मच मार दो स्केल के ऊपर क्या बात वो जिन्ना टाइम बस समाप्ति करनी है बस पांच सात मिनट वो जिन्ना टाइम मित्रा ने तेरे पीछे काट दिता जिन्ना टाइम मित्रा ने जैन साहब टाइम बहुत लग रहा है जिन्ना टाइम मित्रा ने तेरे पीछे गाल दिता रब नू ते आउंदे सन रब मिल जाता चुप के किताबां जे कॉलेज नू गए हुंदे हुण तक मित्रां ने डीसी लग जाता जिन्ना पेट्रोल असी तेरे पीछे फूक दिता जीरकपुर तो पीजीए वाली साहिब खरड़ इधर बड़ा औखा काम बड़ा औखा पेट्रोल बहुत लगता है
ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿੰਦੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੂ ਉੱਤੇ
ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਜੀ ਅੱਛੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਡੀਅੰਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू बॉबी जी एंड कहते हैं कि एक शाम आती है खुशी लेकर और एक शाम जाती है खुशी लेकर और एक ये शाम है जो हम सबको एक साथ लेकर आई है आज यहाँ पर सोचिए एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ एंड इसी के साथ हमारे सारी मीडिया प्रेस का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ पे लाइव कैप्चर किया इस प्रोग्राम को सो जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से हमारे वेन्यू पार्टनर अमरपाली रिजॉर्ट्स का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर कश्मीर सोहल प्रोड्यूसर एट सत्रम एंटरटेनर्स का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर संजीव आनंद मिस्टर निखिल सोफ्ती जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे ऑल स्पॉन्सर्स एंड स्पेशली मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स जिनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है इस खूबसूरत शाम में सो इसी के साथ हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द चित्रा सरवारा जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस हमारे परमचंद दयाल सिंगर जी मिस दीपिका सिंगर जी मिस नितिज भारद्वाज एंड ऑल एक्टर्स एंड मॉडल्स हु प्रेजेंट्स ओवर हियर एंड ऑल स्पॉन्सर्स ओवर हियर अनिल जी हमारे सनी वेजिटेबल सप्लायर जी संपूर्ण पैकेजिंग जी भारती मिल्क फूड्स एंड विर्क एंटरटेनर्स सो जी हाँ दोस्तों इसके साथ आपसे अलविदा लेते हैं एंड हियर वी हैव सम अवार्ड सेरेमनी सो नाउ माई हैंड ओवर आई गोना बी हैंड ओवर दिस माइक टू मोनिका मैम थैंक यू प्लीज सोने तुम बहुत सोहनिया रौनक लाइया महफिल के जोरदार तालियां इन्हें सोहनिया के वास्ते कहें महफिल च सोहने सोहने लोग आने का दिल नहीं लगता साडा है ना महफिल गीत संगीत दी महफिल गीत संगीत दी ते मेहर करी मेरे साइया ते मेहर करी मेरे साइया बिच अंबाला दे पंजाबी सिंगर मिस्टर बॉबी बाजवा ने बहुत रौनक लाइया तहे दिल नाल असीं धन्नवाद करते हाँ इन्हां दी टीम दा जिन्हां ने अपना कीमती समय साथ दिता सरवारा हैलो एवरीवन हियर वी आर एक्सट्रीमली ऑनर्ड ऑफ हैविंग अमंग अस द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट मिसेस चित्रा सरवारा प्लीज क्लैप She is social media in charge All India Mahila Congress. Beginning with her political career, she was elected as Municipal Corporator, Ward 16, Ambala Kent in 2013. Her other destination includes member district level Vigilance Committee for PDS, Chairman Social Welfare Committee State, Coordinator of Haryana Pradesh Mahila. Senior Vice President for Haryana Pradesh Mahila Congress and then in July 2017 as in charge social media All India Mahila Congress. It feels so great and inspiring talking about her professional life and career. We are obliged to have you here and welcome you with greed and respect. Welcome ma'am. Please rounds of hands. Talia. Chitra ji aapke liye kuch shabad kehna chahungi. रहा संघर्ष की जो चलता है रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों में जंग जीती है जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है सूर्य बनकर वही निकलता है आई रिक्वेस्ट मिसेस चित्रा सरवारा टू प्लीज कम फॉरवर्ड आगे आए मैम हमारे साथ आओ Now I request Ms. Jashmeet Kaur to introduce our worthy guest of honor. Our guest of honor, Rajveer Chaudhary. आज मैं आप सबसे रूबरू करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म 9 अगस्त 1969 में हुआ ये 1999 से 1994 तक सेंट्रल सिक्योरिटी तक फोर्स में रहे इनके सपने बहुत ऊंचे थे इन्होंने IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग फॉर 2 इयर्स का कोर्स किया 1995 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की और अपनी कंपनी में प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी जो आज के समय में 72 कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं तालियां पिछले 15 सालों से वे SIAA साहा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वे इसी तरह आगे बढ़ते गए आज के समय में 72 कंट्री में इनकी कंपनी द्वारा सप्लाई की जा रही है इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही है 2011-12 में मैगजीन शिकागो पर
आज के गेस्ट ऑफ ऑनर राजवीर चौधरी के लिए. प्लीज सर, वेलकम टू स्टेज. हाँ जी सर, आपके लिए भी कुछ शब्द कहना चाहूँगी मैं. इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी हो आप अम्बाला की, हमें तो पता ही नहीं था. तो जोरदार तालियां सर के लिए. तालियों की आवाज नहीं आ रही. फूल खिलते रहे जिंदगी में आपकी, फूल खिलते रहे जिंदगी में आपकी, हंसी चमकती रहे निगाहों में आपकी, हंसी चमकती रहे निगाहों में आपकी, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है दुआ बार बार आपको, दिल देता है दुआ बार बार आपको. Now I'm going to introduce multi-talented personality of Ambala, Miss Monica Witch. Please welcome. She is the chairperson of Friend Club, leading about 100 ladies. Past joint coordinate of JCI, past chairperson of GCI, past chairperson of Khatri Sabha, and best anchor and famous organizer of Ambala. Monica ma'am. मैम तुसी सारे लिए कुछ ना कुछ कहा, मैं थोड़े लिए हुण कुछ कहना चाहूँगी. माना कि पहुँच गए हो आप सफलता की ऊंचाइयों पर, माना कि आप पहुँच गए हो सफलता की ऊंचाइयों पर, मन में उतरने का हुनर आप आज भी जानते हो. बिना लक्ष्य से जीने वालों की क्या जिंदगी होती है, जब मिल जाती है आप जादू आप जैसे लोगों को कामयाबी, तो आपके तो नाम में भी जागीर होती है. तालियां. थैंक्स अ लॉट मिस रश्मीत कौर, जो कि खुद ही बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है. इन्हों के एन ए गुणने की मैं थोड़े जो तुम दसना चाहवागी. इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने, तो आर्ट एंड क्राफ्ट इन्हों का बहुत ही बढ़िया है. छोटी जी उम्र एन ए टैलेंट होना एक बहुत वही गल है. हूँ मैं अपने बुलाना चाहूँगी अज की डायनेमिक पर्सनैलिटी जिन्होंने नाल अज का सारा प्रोग्राम हो गया है. मिस्टर रोहित जैन जी, डायरेक्टर ऑफ अमरपाली होटल. सर अभी तो मेरी आंखों के सामने थे, अब कहाँ गए आप. मिस्टर रोहित जैन जी, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आगे आएं. मिस्टर रोहित जैन, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. चलिए सर के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहेंगे. मिस्टर रोहित जैन जी, प्लीज़ तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज का जो ये कार्यक्रम है सारे इन्हीं की देखरेख में कोऑर्डिनेट हुआ है. सर आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी. जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी दुनिया कद्रदान होती है, उनकी दुनिया कद्रदान होती है. पंख होने से काफ़ी नहीं होता, पंख होने से काफ़ी नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है. तालियां. Now I request our worthy chief guest, guest of honor, to please come forward for Shamaroshan. जीवित नमन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, जीवित नमन बिहारी. फूलों में सज रहे हैं
हैं। तो होली के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, करो कुछ ऐसा, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसे कि तिरंगे का नाम बढ़ जाए, बढ़ जाए। तालियां। भरो पिचकारी, भरो पिचकारी ऐसे तीन रंगों की, जब कपड़े पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए, जब कपड़ों पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। हम इंसानों को भी होती है, हम अपनी काबिलियत के साथ अपने समाज में हर क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। अम्बाला अचीवर अवार्ड में आप सभी का मैं एंड रश्मि स्वागत करते हैं। वेलकम टू अम्बाला अचीवर अवार्ड एंड म्यूजिकल नाइट, प्लीज क्लैप। तो चलिए फूलों की होली में कृष्ण जी की होली और राधा जी की होली का रास एक दिखाते हैं। फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। तो वृंदावन बिहारी जी साक्षात हमारे बीच में आए हैं। चित्रा जी दो मिनट के लिए बैठिए, एक हमारा एक स्पेशल परफॉर्मेंस है सर। आप भी जल्दी आइए। शिष्य को नचाने वाले हमारे कान्हा जी, हमारे कान्हा जी राधा रानी के संग आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज के अवार्ड्स उन्हीं की मेहरबानी से आपको मिले हैं। कहते हैं ना कि अगर भगवान का हाथ सर पर है तो दुनिया की कोई शक्ति हमें नाश नहीं कर सकती। एम आई राइट? क्या मैं ठीक हूँ? अवार्ड्स को लेने के लिए कहते हैं ना, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जनून सा दिल में जलाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाया, वो बोली तिनका उठाकर घोंसला बनाना पड़ता है। तो चलिए वृंदावन बिहारी जी जल्दी आइए। I'm sorry.
of Honors, Rajveer Chaudhary, and our special invitee on stage. Please welcome on stage. आज मुझे मौका प्राप्त हुआ है आप सभी के बीच अवार्ड सेरेमनी को अनाउंस करने का। अवार्ड की श्रृंखला में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती किरण बालाजी जी, सीनियर एडवोकेट। प्लीज जोरदार तालियां। अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अवार्ड जाता है श्री राजेंद्र गुप्ता जी को। सुन रहे हैं तो प्लीज जल्दी आगे आए श्री आदर्श जैन जी। जोरदार तालियां।
सर आप अपनी पूरी टीम के साथ आए सर आप अपनी पूरी टीम के साथ आए जो एक्स वेलफेयर कमेटी अंबाला के सदस्य के साथ टीम मंच पर आ रही है प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जोरदार तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए इनका जन्म 1 जनवरी 1960 में हुआ जिनके जीवन में बड़ी दर्दनाक घटना घटी इनके दो बच्चों को 14 मई 2002 पंजाब में टेररिस्ट द्वारा इनके आंगन के दो फूल इनके बच्चों की निर्माण हत्या की गई जिनसे पूरे अंबाला के इतिहास को गिरा दिया पूरा अंबाला आपको नतमस्तक है आपके बच्चों ने कुर्बानी दी हम आपके लिए सदा हमारे दिल से दुआ करते हैं कि भगवान आपको खुश रखे हम सब आपके ही बच्चे हैं ये अंबाला सारा आपका है हम सब आपके हैं धन्यवाद सर एक तथ्य जो कोई नहीं जानता जब इनके दो बच्चे शहीद हुए तो इनकी आंखों ने आंसू नहीं बहाए लेकिन इनकी जबान ने कहा काश मेरे दो बच्चे और होते मैं उनको भी कुर्बान कर देता बहुत अच्छा ऐसा जज्बा आज की डेट में मिलना बहुत ही मुश्किल है अंबाला वाले आपको शत शत नमन करते हैं शत शत नमन करते हैं Our next award goes to Shri Jagmohan Lal Kumar, Social Worker, Ambala City. Shri Jan Himanshu Bharti, Managing Director of Bharti Milk Foods Private Limited, Karnal. Please welcome on the stage. Zordar taliyan, taliyan bajti rehni chahiye. Mr. Himanshu Bharti ji ke liye. Congratulations, sir. Our next award goes to Miss Nits Bhardwaj, model and actress. एक मिनट सर एक मिनट मैम ये सर कुछ बोलना चाहते हैं हिमांशु जी यंगस्टर हो कुछ चंगा जा बोल के जाना साडे वास्ते ते साडे ऑडियंस दे वास्ते मैं जैन साहब को एक तो मुबारकबाद देना चाहूंगा उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और बहुत थोड़े से टाइम में बहुत अच्छा नाम भी आम्रपाली रिजॉर्ट्स का बना लिया है और भारतीय मिल्क फूड्स बेसिकली आम्रपाली रिजॉर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है हम इनको अपने मिल्क प्रोडक्ट्स आइसक्रीम्स वगैरह सप्लाई करते हैं तो हमारे को काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ एसोसिएट होके और अंबाला के अंदर भी इस साल हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं उसके साथ चलते हुए हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑपरेशंस हैं हम डेयरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसके साथ आप सभी को जानकर शायद थोड़ी सी खुशी होगी कि आपके ही पड़ोस में करनाल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके साथ हमारे को इंडिया लेवल पर एक फंक्शन होता है द ग्रेट इंडियन आइसक्रीम कॉन्टेस्ट उसके अंदर हम गोल्ड मेडल विनर भी रह चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर थैंक्स अ लॉट हम मुझे इन्वाइट करने के लिए और अवार्ड देने के लिए थैंक्स अ लॉट थैंक यू सर I would like to invite Miss Nits Bhardwaj, model, actress, Punjab. Miss Nits Bhardwaj. जोरदार तालियां इनके लिए जिनकी सुंदरता की प्रशंसा इतनी हुई कि शायद ऑडियंस के कानों तक भी पड़ी होगी मैम आपके लिए तो कुछ शब्द मैं भी कहूंगी कि ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर देख दे रहा थैंक्स अ लॉट मैम जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज की शान मिस्टर बॉबी वाजवा पंजाबी सिंगर जो अपनी नई एल्बम ब्रांडेड की लॉन्चिंग के लिए यहाँ पर आए थे मिस्टर बॉबी बाजवा वन ऑफ द फेमस सिंगर ऑफ पंजाब नाउ इन हरियाणा के भी वो फेमस सिंगर हैं ऑडियंस कैसा लगा आपको उनका सॉन्ग्स तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी तालियों की आवाज से ही जोरदार तालियां आज की महफिल की शान आन
ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? आज की शाम का मौसम बड़ा सुहाना लगे आप सब ले थोड़े सारे ले। आज की शाम का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं कुछ पल चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। आप भूलना चाहो तो भूल जाओ हमें, आप भूलना चाहो तो भूल जाओ हमें, हमें बुलाने में शायद जमाना लगे, हमें बुलाने में शायद जमाना लगे। जैन साहब थैंक यू सो मच, तुसे इन्नी खूबसूरत ऑडियंस इन्ने खूबसूरत लोगों नाल मिलवाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सर। सर आपने कहा भूल जाओ, तो आप तो हमारे दिल में ही बस गए हो। जो दिल में बस जाते हैं उनको भुलाना तो बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद सर। जो हमारे साथ स्टेज पर ही हैं, प्लीज वेलकम मिस मोनिका विच। आवर नेक्स्ट अवार्ड गोज टू आवर चीफ गेस्ट मेजर इन डिजाइन एंड पॉलिटिक्स मिसेस चित्रा सरवारा। प्लीज जोरदार तालियां नाल उन्हां दा स्वागत किया जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। चित्रा मैम के लिए तो तालियां होनी चाहिए। चित्रा जी साढ़े अंबाले दी आन शान है। कहते हैं ना कि तुम वो हुनर हो जिसमें हुनर बहुत है, तुम वो दरिया हो जिसमें हुनर बहुत है, जिस तरफ चलते हो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नथिंग जी, आज यहाँ अंबाला की लीडिंग लाइट्स बैठी हैं और मैं अंबाला की ही बेटी हूँ, तो मैं समझती हूँ कुछ अंबाला के पानी में ही खास बात होगी जो यहाँ पे इतना टैलेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेज डाउन टू ऑल द ऑडियंस, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द अवॉर्डीज और जो सेलिब्रिटीज हमारे साथ आए हैं, रोहित जैन जी को मेरी तरफ से हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन इस खूबसूरत शाम के लिए, फंक्शन के लिए। और जब हम ऐसे रिकग्निशन देते हैं तो कहीं ना कहीं वी ऑल फील प्राउड एंड ऑनर्ड। एंड टू ऑल द मीडिया पार्टनर्स, आनंद शर्मा जी, निखिल सोपती जी, एंड टू ऑल द स्पॉन्सर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। आवर नेक्स्ट अवार्ड गोज टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर राजबीर चौधरी, संपूर्ण पैकेजिंग। प्लीज जोरदार तालियां दी आवाज आनी चाहिए। कंग्रेचुलेशन सर। हुण मैं आज दे साडे स्पेशल इनविटी मिसेस मोनिका विच नू जो कि साडे नाल स्टेज ते ही हन, उन्हां दा सम्मान करना चाहांगी। शी इज इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड सोशल वर्कर इन अंबाला कैंट। प्लीज जोरदार तालियां बजाई जान। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। हाँ जी जरूर मैम। ये हो नहीं सकता कि मोनिका जी सम्मानित हो और उनके शान में कुछ शब्द ना कहे जाएं। एक माँ भी बहुत अच्छी हैं, एक पारिवारिक बंदा, एक सोशल पर्सनालिटी बहुत अच्छी हैं, और मैंने जितने सालों से देखा है मैं समझती हूँ इनसे खूबसूरत एंकर नहीं हो सकता, इनसे ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी नहीं हो सकती। हर फंक्शन में कोई भी कुछ काम करने आगे चले और मोनिका जी का अगर आप साथ मांगेंगे, यू विल फाइंड शी गिव्स इट 100%। यस मैम। और हर फंक्शन की जान डाल बना देती हैं, मतलब उसमें जान डाल देती हैं। शी इज मल्टी टैलेंटेड टू ट्रूली टेल यू। यस मैम। तो चाहे वो धार्मिक फंक्शन हो, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो स्कूल में बच्चों को जाके इंस्पिरेशनल टॉक्स देने हो, शी इज देयर एवरीवेयर। और कभी अगर आपको डिटेलिंग देख ली हो एक महिला की और किस फोकस से वो काम कर सकती है, तो आप इनके साथ एक इवेंट करके देखिए। जी मैम। यू विल रियलाइज हाउ इन डेप्थ शी गोज एंड हाउ फोकस्ड शी इज ऑन एवरीथिंग। सो मोनिका जी, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू एंड टू लर्न फ्रॉम यू। जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। मिस्टर रोहित जैन जिन्हां ने आज आ सारा प्रोग्राम करवाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अंबरपाली रिसोर्ट। जोरदार तालियां। एक मिनट सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बच्ची जिसने मिस जशमीत कौर
जिसने आज का पूरा इवेंट कोऑर्डिनेट करने में मेरी मदद करी। इस बच्चे को मानो कि मैंने सुबह 10 बजे कॉल किया कि बच्चे आपको मेरे साथ आना है, और वो सारा दिन मेरे साथ रही। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, इवेंट मैनेजमेंट एंड मेकअप आर्टिस्ट। मेरा आज का मेकअप भी मैम ने ही किया है। थैंक यू मैम। तो ये छोटा सा गिफ्ट अनिल सर की तरफ से इस बच्ची को। सर, इनके लिए जो अवार्ड है वो नेक्स्ट टाइम जरूर दिया जाएगा। Yes, ma'am. Smile, smile. परसों मिले थे हमें ये आर्टिस्ट, तो हम मैंने स्पेशली इनवाइट किया। तो बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, एक्टर है, बहुत अच्छी, आपके अंबाला शहर की। तो मैंने इनको बोला था कि स्पेशली हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे फिल्म में। तो लेकिन ये आते मेरे को मिले नहीं, पता नहीं, फिर ऑडियंस ज़्यादा थी, मैं भी नहीं देख पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको अब बुलाता हूँ, प्लीज वेलकम दिव्या शाह, आपके शहर की बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट। जोरदार ताड़ी दिव्या शाह के लिए, प्लीज आइए स्टेज पे, क्योंकि हमारे साथ काम करेंगे आने वाली फिल्म में। हम अपनी टीम में एंटर करा रहे हैं आपके शहर का एक बहुत अच्छा टैलेंट, दिव्या शाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलो साडे अंबाला जी के आर्टिस्ट मैडम सर बोलना जाना चाहते हीरोइन बन जाओ, है ना। ते हुन जैन साहब ने तुहाडे सारयां दे वास्ते लकी टिप्स रखियां सी। ऑडियंस सोच रहे होने कि सानू कुछ नहीं मिले, जैन साहब ने किसी नू खाली नहीं भेजना, तो लकी टिप का वो बॉक्स मंगवाया जाए आगे और वो लकी टिप्स निकाली जाए, जो ऑडियंस बहुत कम है, मुझे लगता है सबका ही निकल जाएगा। हाँ जी सर, वो ऋषभ जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, दिव्या मैम जी प्लीज वो डब्बा आगे से मंगवा लीजिए, पीछे से लकी टिप्स का रिसेप्शन से, है ना। आप उनको भूल गए, घर तो अपने घर ही जाना है। कविता जी की कविता सुननी पड़ेगी घर जाकर आपको। कविता जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मिसेस कविता जैन, ऑनर ऑफ अमरपाली रिसोर्ट, और उनकी प्यारी सी बच्ची दिव्या एंड ऋषभ, दिया एंड ऋषभ, वो भी आ गया है। देखो जी, पेशेंस लेवल देखा जाए तो इनके बच्चों में बहुत है। 3 दिन से मैं इनके साथ वर्किंग कर रही हूँ, इनके बच्चों में इतना पेशेंस है जो आज की डेट में शायद कम बच्चों में मिलता है। और वाइफ के तो क्या कहने, इतने अच्छे भाभी हैं हमारे, वेरी स्वीट भाभी हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते हैं। और हमने आपको पर्दे के आगे बुला लिया मैम, पर सर आप बोलिए लेटेस्ट को कोऑर्डिनेट। ऋषभ प्लीज कम, और लकी डिप का शिखा, लकी डिप का बोले सिंगिंग इतनी सी मेरी अरे चुप करा दो ना मम्मी। अरे नहीं नहीं अब उसी में से निकलेंगे ना नंबर्स, मुझे जानबूझ के गलत गाने। मेरी फ्रेंड मिसेस आहूजा मेरे इसको बड़े प्यार से देख रही है, मेरी बहन और मेरी छोटी बहन भी है मेरे साथ आए। सारिका जी आप भी आ जाइए आके, सेंड कर दो ना। ठीक है, टिकट्स हाँ जी मैम आप ही निकालते जाइए। अरे नहीं यार नहीं, मेरे भाई बच्चे आना चाहिए, अंकल जी टोपी वाले अंकल जी ने भी चाहिए। नाम की है सर थोड़ा, चंदोक जगजीत चंदोक, चंदोक जी नम ओके, नंबर निकला है 1015 1015। चलिए नेक्स्ट, जो लकी टिप जिसका है उन्हें तक किस्मत है, भी अंदर वाले अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट डब्बा इधर ले आइए मैम, बॉक्स इधर ले आइए मैम, निकालते जाएंगे। 1013 1013 नंबर किसी का है तो आगे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट 1024 1024 नहीं है जी। चलिए नेक्स्ट, तो बहुत सारे नंबर हैं। वन जीरो नाइन जीरो। चलिए फटाफट निकालते चाहिए, ऐसे तो बहुत नंबर है कैसे होगा। मोनिका भाभी हमने तो डालना नहीं, जो निकल रहा है हमें ही दे दो उनमें से।
1008 10, welcome sir. 102 102 welcome sir. आइए सर, गिफ्ट गिफ्ट पकड़ाइए रिया जी, गिफ्ट लेकर आइए, वो पड़े हैं गिफ्ट लेकर। शुक्र है कोई तो आया है ना। तो हमारे अंकल जी का आज का लकी वेयर निकला है, लकी डिप। हाँ जी, मैंने लगता है पीछे पीछे कतार से और भी आ गए हैं। 1008 इनको भी दीजिए। ओके, गिफ्ट्स लेकर आओ बच्ची, इनको सर को दीजिए। इधर दो बच्चे लीजिए, चित्रा जी एक और लाइए, आगे आइए। ओके, अपना नाम बताइए। जसमेर चंदर। वेरी नाइस। यस, कुछ बच्चे आए हुए हैं। कुसुम मैम एनजीओ चलाती हैं और काफ़ी अच्छे उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी उनके चलते हैं, और वो कुछ बच्चे उनमें से ही यहाँ पे आए हुए हैं और दे आर कमिंग। आइए बच्चों प्लीज। बच्चे आ रही सर। अच्छा अच्छा, बगी चले। ये प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं जी। बच्चे लोग कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो ये गिफ्ट इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। एक और है तो ये जो चिल्ड्रन है, ये कुछ स्लम एरिया से रिलेटेड है जो कि कुसुम मैम डील करती हैं, तो ये वहां से आए हैं। हम सभी आपका तहे दिल से दिव्या वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं, और जो इनके साथ लोग आए हैं, नन्हे नन्हे बच्चे आए हैं, इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया। तो अंत में मैं कहूँगी, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी दीवानी बनी रहे। आप जिंदगी में इतना मुस्कुराएं कि खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे। और मैं धन्यवाद करती हूँ रोहित सर जी का, जिन्होंने मुझे इस इवेंट को कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया। जैन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वैसे भी हम अमरपाली में आते रहते हैं, क्योंकि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो बच्चों की शादियाँ करते हैं तकरीबन यहीं पे करते हैं, और मैं जैन साहब के परिवार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ आके सभी महत्वपूर्ण लोगों के दर्शन कराए। पूर्व सैनिक वारफेयर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके हमारी बेटी चित्रा सरवारा जो कि हमेशा ही कभी भी हमें याद करती थी, हम उनसे पहले पहुँचे होते हैं, तो मैं इनका भी अपनी कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया करना चाहूँगा चित्रा जी, राजवीर जी सभी का, और आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से।